जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारा कंटेंट ओटीटी और सिनेमा में रिलीज होने जा रहा है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, कहीं भी स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों ये मेरे जो रिलीज है इसका पार्ट वन है, क्योंकि अभी दो तीन दिन और बचे हैं फ्राइडे आने में, जिससे पहले और भी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, तो वो अनाउंसमेंट अपने थर्सडे वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस हफ्ते आपने क्या कुछ देखना है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें से काफी सारी ऐसी रिलीज हैं जो कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होती है जिनका एक्सेस आप लोगों को नहीं होता है, तो आप लोग बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि हम इसे कैसे देखें, तो ऐसे पूछा मत करो। मतलब मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल पे है, तो वहां पे मुझसे बात कर लो, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप लोगों की मदद करूं, वहां भी करता रहता हूं। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करो मेरे भाइयों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सारे मैसेजेस का रिप्लाई हूं। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, आप जैसे 3000 प्लस सब्सक्राइब वहां पे फॉलोअर्स हो चुके हैं, अच्छा लगता है भाई, वहां पे मिलते हैं, बात करते हैं, इसी बहाने हमारी दोस्ती थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब ज्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा ओटीटी और सिनेमा में। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिलीजेस के साथ जो इस हफ्ते ऑलरेडी हो चुकी हैं, जहां दोस्तों 6 जो कि एक कांचा लांका ओरिजिनल इंडियन उड़िया लैंग्वेज क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, इसे कांचा लांका के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों उड़िया लैंग्वेज में 6 नवंबर से रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ साथ मॉन्स्टर हंटर जो कि 2020 की एक अमेरिकन एक्शन फैंटेसी मॉन्स्टर फिल्म है, इसे दोस्तों सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ा सभी लैंग्वेजेस में एक साथ दोस्तों सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है 6 नवंबर से। बात करूं 7 नवंबर की, तो बिहाइंड एवरी स्टार जो कि एक ओरिजिनल 12 एपिसोड साउथ कोरियन वर्कप्लेस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में दोस्तों 7 नवंबर से रिलीज कर दिया गया है। बात करूं 8 नवंबर की, तो द क्लॉस फैमिली 2 जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बेल्जियन क्रिसमस फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि 2020 की द क्लॉस फैमिली का सीक्वल है, इसे दोस्तों नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश और फ्लेमिश लैंग्वेज में 8 नवंबर से रिलीज किया जा रहा है। बात करूं अब 9 नवंबर की, तो सबसे बड़ा रिलीज है दोस्तों ब्रीद इन टू द शैडोज का सीजन 2, जो कि एक अमेजॉन ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसकी लीड में आपको अभिषेक बच्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कहानी इसके वहीं से शुरू होगी जब ब्रीद इनटू द शैडो सीजन 1 को खत्म किया गया था। और दोस्तों इसका रिलीज है 9 नवंबर का, यानी 8 नवंबर की रात जैसे ही 12 बजेंगे, यानी कि आज रात जैसे ही 12 बजेंगे और 9 नवंबर चालू होगा, ब्रीद इनटू द शैडोज के सीजन 2 को रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अ मदर्स गिल्ट जो कि एक फिलीपीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, इसे एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में 9 नवंबर से रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है फीफा अनकवर्ड डॉक्यू सीरीज, जो कि एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड सीरीज है, जो कि आपको बताती है कि फुटबॉल फेडरेशन में क्या कुछ होता है, और ये वर्ल्ड कप से पहले रिलीज की जा रही है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 9 नवंबर से। सीरीज का नाम है फीफा अनकवर्ड डॉक्यू सीरीज। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा द क्राउन का सीजन 5, जिसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जिसके 4 सीजन पहले भी आ चुके हैं, और कहानी आपको क्वीन एलिजाबेथ की देखने को मिलती है, जिसे बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों इसके 4 सीजन्स को लोगों ने बहुत लाइक किया, और अब इसका 5th सीजन दोस्तों 9 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने जा रहा है, जिसे हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। बात करता हूँ 10 नवंबर की, तो बड़ा रिलीज है द कॉलिंग, जो कि एक पीकॉक ओरिजिनल 8 एपिसोड साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो कि एक इजरायली क्राइम राइटर की नॉवल द मिसिंग फाइल के ऊपर बेस्ड है, और दोस्तों इसे पीकॉक टीवी के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों 10 नवंबर से रिलीज किया जा रहा है। इसी के साथ साथ वॉरियर नन का सीजन 2, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपर नेचुरल एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सुपर हीरो सीरीज है, इसे दोस्तों नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश लैंग्वेज में 10 नवंबर से आप देख पाएंगे वॉरियर नन के सीजन 2 को। इसी के साथ साथ फॉलिंग फॉर क्रिसमस, ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में एक साथ 10 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लॉस्ट बुलेट 2, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ्रेंच एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और सीक्वल है 2020 की मूवी लॉस्ट बुलेट का, इसे नेटफ्लिक्स पे दोस्तों रिलीज किया जा रहा है इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस में। और दोस्तों अभी तक न्यूज़ ये आ रही है कि इसे हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा, हालांकि इसे कन्फर्म नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब लॉस्ट बुलेट 2 जो है आपको 10 नवंबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी, और होपफुली हिंदी में भी इसे रिलीज किया जाएगा।
इसी के साथ साथ दोस्तों मनी माफिया का सीजन 3 जो कि एक ऐसी कहानी है जो आपको इंडिया के मनी माफिया के बारे में बताती है। इसे दोस्तों डिस्कवरी प्लस के प्लेटफॉर्म पे इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा, इसके सीजन 3 को, और आपको एक नई कहानी दोस्तों मनी माफियाज की देखने को मिलेगी यहाँ पर 10th of November से। बात करता हूँ दोस्तों 11th November की, जहाँ बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। पहले बात कर लेते हैं OTT मूवीज की, जहाँ बड़ा रिलीज है मोनिका ओ माई डॉर्लिंग, जो कि एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसकी लीड में राजकुमार राव, उमा कुरेशी और राधिका आप्टे, और दोस्तों ये नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में एक साथ 11th November को रिलीज होने जा रही है। और मोनिका ओ माई डॉर्लिंग एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है। इसके साथ साथ दोस्तों रॉड शार्क, जो कि एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसकी लीड में है ममूटी और शफुद्दीन जगदीश, और दोस्तों इसको डिजिटली प्रीमियर किया जा रहा है डिस्नी हॉटस्टार के चैनल पर, जहां पर दोस्तों अभी तक की न्यूज़ यह है कि इसे हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया जाएगा। हालांकि इसके ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम है, मलयालम, तमिल, तेलुगू ये कन्फर्म हो चुका है इसका रिलीज़ जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होना जा रहा है रॉड शार्क का, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाए। मैं कन्फर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार लास्ट में जो है गोल्टी मार जाता है, इस वजह से मैं अभी तक कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी की अपडेट इसकी आई है कि इसे हिंदी में भी रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न, जो कि 2022 की एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है और 4th installment है दोस्तों जीपर्स क्रीपर्स फ्रेंचाइज का, और इसे दोस्तों VR OTT के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में एक साथ 11th November को रिलीज़ किया जा रहा है। और जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न को अब आप 11th November से OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ हॉट सीट, जो कि एक एक्शन ड्रामा मूवी है, इसे लायंस गेट के प्ले के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों 11th November से रिलीज़ किया जाएगा। कहानी आपको एक हैकर की देखने को मिलेगी जो कि एक बैंकिंग के सिस्टम में हैक कर जाता है, और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या होता है वो आपको हॉट सीट में देखने को मिलेगा, लेकिन इस मूवी को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लायंस गेट के प्लेटफॉर्म पे 11 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इरावन निशाल, जो कि एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी है, इसे अमेजॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे 11 नवंबर से रिलीज़ किया जा रहा है। और दोस्तों गुरु शिष्यारु, ये एक कन्नड़ा स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, जिसे Zee5 के प्लेटफॉर्म पे प्रीमियर किया जा रहा है 11 नवंबर से। बात करता हूं दोस्तों 11 नवंबर की कुछ वेब सीरीज की, तो बड़ा रिलीज है तनाव, जो कि एक सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है, और दोस्तों 11 नवंबर से सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे इसे रिलीज किया जाएगा। कहानी आपको 2017 के कश्मीर की देखने को मिलेगी, जहां पर कुछ स्पेशल कोवर्ट ऑपरेशंस की वजह से किस तरीके से तनाव पैदा हो जाता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी टाइम से इस सीरीज़ का इंतजार हो रहा था, फाइनली ये 11 नवंबर को रिलीज़ हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों Zee5 पे रिलीज़ होगी मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई, जो कि एक स्पाई एक्शन ड्रामा सीरीज़ है, इसे Zee5 के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जाएगा, और कहानी आपको सिमिलर स्पाई एजेंट की देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कैसे स्पाइंग होती है उन आइडियाज़ को दिखाया जाएगा, और मुखबिर वेब सीरीज़ भी आपको 11 नवंबर को Zee5 के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ सिक्सर, ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा टीवी शो है, जिसे मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जाएगा अमेजॉन मिनी टीवी पे, और ये कहानी है कुछ ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स की जो आपस में अपनी पर्सनल दुश्मनियों को छोड़कर साथ आते हैं ताकि वो एक लोकल टेनिस बॉल टूर्नामेंट को जीत पाएं, और सिक्सर को 11 नवंबर को दोस्तों अमेजॉन प्राइम मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेविंग्स अकाउंट, ये एक बंगाली एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे Zee5 के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों 11 नवंबर से। इसी के साथ साथ द बंगाल स्कैम बीमा कांडो, 2022 की एक ओरिजिनल बंगाली क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे हॉय चॉय के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों 11 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। बात करूं 11 नवंबर की सिनेमा रिलीज की, तो थाई मसाज, जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी लीड में गजराज राव और दिव्येंदु शर्मा, और दोस्तों इसे थाई मसाज को रिलीज़ किया जाएगा सिनेमाज में 11 नवंबर को। लेकिन सबसे बड़ा रिलीज़ है मार्वल स्टूडियोज़ की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो कि एक अमेरिकन एक्शन साइफाई फैंटेसी ड्रामा सुपर हीरो फिल्म है और 2018 की ब्लैक पैंथर का सीक्वल है। इसे सिनेमाज में हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में दोस्तों 11 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ साइफाई थ्रिलर मूवी यशोदा, जिसकी लीड में आपको मिलेंगी समांथा प्रभु देखने के लिए, ये एक पैन इंडिया रिलीज़ होने जा रहा है इस मूवी का, और इसे भी दोस्तों सिनेमाज में 11 नवंबर से रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ऊंचाई, जो कहानी है तीन ऐसे दोस्तों की जो एवरेस्ट बेस कैंप पे जाते हैं क्योंकि वो अपनी एक पर्सनल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना चाहते हैं अपनी फिजिकल लिमिटेशंस के बाहर जाके, इसकी लीड में आपको देखने को मिलेगा अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी और नीना गुप्ता। और दोस्तों ऊंचाई को भी सिनेमाज में 11 नवंबर को रिलीज़ किया जाएगा। इसके अलावा छो बार, जो कि एक पंजाबी मूवी है, जय रंधावा इसकी लीड में, इस मूवी को भी दोस्तों सिनेमाज में पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा 11 नवंबर से। और दोस्तों रॉकेट गैंग,
जो कि कहानी है कुछ 5 बच्चों की जो आपस में एक डांस कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं कैसे अपने सपनों को जोड़ने के लिए, वो रॉकेट गैंग मूवी में देखने को मिलेगा, जिसकी लीड में आपको आदित्य सयाल और निकिता दत्ता देखने को मिलेंगे। रॉकेट गैंग भी सिनेमाज में रिलीज़ होगी 11th of November को। बात करता हूँ 12th November की, तो बड़ा रिलीज है लिविंग विद अ स्ट्रेंजर, जो कि एक पंजाबी साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा मूवी है। इसे दोस्तों 12th November को चौपाल के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जा रहा है, वहाँ इसे लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 13th November को रिलीज़ होने जा रही है हीरो, जिसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है सोनी मैक्स के चैनल पर, जिसकी लीड में अशोक गाला और निधि अग्रवाल। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इसका 23rd date बोल दी थी, एक्चुअली इसकी डेट 13th है, यानी कि हीरो का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आपको सोनी मैक्स चैनल पर 13th of November को देखने को मिलेगा दोस्तों, रात को 8 बजे से। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट अपडेट जो अभी तक की अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी एडिशन अगले 2 दिनों में होंगे वो भी मेरे पार्ट 2 वीडियो मिल जाएंगे। सो अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।